और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात के बनासकांठा पाटन के पास मौजूद भारतीय वायुसेना के दीसा एयरफील्ड का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। ये वायुसेना का 52वां स्टेशन है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये कैसा एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण है। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का यह आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है, इसमें युवा शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, इसमें विश्व के लिए एक उम्मीद भी है और मित्र देशों के लिए सहयोग के अवसर भी हैं। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है, कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आप सबको